हर परिवार को 25 लाख तक मुफ्त इलाज, दुर्घटना में 10 लाख की मदद, हर घर 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। अब छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर है। प्रशासन ने छठ पूजा स्थलों का दौरा कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। काशीपुर की मोटेश्वर नहर में इस बार भी 17 से 20 नवंबर तक छठ पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। इसे लेकर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया। पूर्वांचल छठ सेवा एवं जन कल्याण समिति के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद से उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान समिति के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद ने उप जिलाधिकारी से व्यवस्थाओं के संबंध में बात करते हुए कहा कि छठ पूजा के अवसर पर साफ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था के साथ पूजा स्थल से अतिक्रमण हटाया जाए। पूजा से एक दिन पहले नहर में साफ पानी छोड़े और नहर में कीटनाशक दवाई का छिड़काव किया जाए। उप जिलाधिकारी द्वारा छठ पूजा स्थल का जायजा लेने के पश्चात अध्यक्ष द्वारा की गई व्यवस्थाओं और सुरक्षा के संबंध में मांग को पूर्ण कराने का आश्वासन दिया गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी के साथ मौके पर तहसीलदार पंकज चंदोला और अन्य प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। साहब, प्रशासन से हमने यहाँ जो छठ महापर्व का आयोजन वर्ष 1986 से हो रहा है और यहाँ जो ये भूमि है, ये सरकारी भूमि है जहाँ छठ महापर्व के अवसर पे बहुत बड़ा मेला लगता है, कई हजार लोग इकट्ठे होते हैं, और एक कुछ समय से जून 2022 में यहाँ जो है ये अतिक्रमण करने की कोशिश की गई कि इस भूमि पे तार बार करके, तो जिसको SDM साहब ने हटवाया था पिछले छठ महापर्व के समय पे, और पुनः छठ महापर्व के बाद जो है उन लोगों ने जो है तार बार करने की कोशिश की, जिसको आज माननीय उप जिलाधिकारी महोदय ने हटवाने का आदेश दिया है। आपको जानकारी दूं कि यहाँ छठ महापर्व के अवसर पर सिंचाई खंड काशीपुर, नगर निगम काशीपुर और माननीय उप जिलाधिकारी महोदय का प्रशंसनीय सहयोग रहता है। यहाँ की स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण बनाने में आप सभी लोग मिल के काम करते हैं और एक सुंदर वातावरण में छठ महापर्व का आयोजन यहाँ होता है। खुशहाल परिवार कांग्रेस सरकार, हर परिवार को 25 लाख तक मुफ्त इलाज, दुर्घटना में 10 लाख की मदद, हर घर 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। कर्मचारियों की खत्म हुई टेंशन, कांग्रेस दे रही ओल्ड पेंशन। राजस्थान, हिमाचल और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने दिया 6 लाख कर्मचारियों को OPS का लाभ। अब मध्य प्रदेश में भी लागू होगी ओल्ड पेंशन स्कीम। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।